हेलो फ्रेंड्स, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का सेकंड पार्ट बनाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आज मैं आपको इस फैक्ट्री का पूरा एक एक सारी फैक्ट्री का एक एक पार्ट आपको दिखाऊंगा, सारा टूर कराऊंगा कि क्या क्या इस फैक्ट्री में है और किस कंडीशन में आज है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जंगल टाइप का है, इसके जो भी खाली जगह पड़ी हुई थी तो यहाँ पर सारा ऐसा पेड़ पौधे हो गए हैं, जंगल टाइप का है। और ये उस टाइम का कुछ गोडाउन टाइप का बना हुआ है। मैं आपको सारी फैक्ट्री आज टूर कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हालत है आज के दिन इसकी। देखिए ये कुछ गोडाउन टाइप का है, इसके अंदर जाके अपन देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए ये उतना लगभग 40 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे सारे खिड़की दरवाजे जो आसपास के मजदूर लोग रहते हैं, यहाँ के खिड़की दरवाजे सब यहाँ से तोड़ के ले गए हैं, खंडर हो गया ये सारा। देख सकते हैं आप, ये कुछ इसी टाइम का कुछ स्ट्रक्चर है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या है इस फैक्ट्री में। ये देखिए अभी हम फैक्ट्री के पास पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली ये जो एरिया है फैक्ट्री का, जगह बहुत बहुत बड़ी है, तो अंदर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। ये उस टाइम का सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, देख सकते हैं लोगों ने सारा कुछ तोड़ दिया है। ये आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री कि जो मेन जो फैक्ट्री थी वहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको आज। ये टैंक, इसमें इतनी जहरीली गैस होती थी, तो ये टैंक मेटल के बने होते थे, लेकिन इनके ऊपर भी थर्माकोल की बहुत मोटी एक परत होती थी। मैं आपको बताता हूँ कि हर टैंक हर पाइप थर्माकोल की परत से ढके होते थे। देखिए ये सारा थर्माकोल निकला हुआ पड़ा है टैंक का। तो बहुत सारे टैंक यहाँ पर थे। देखिए आप एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो कृपया करके मास्क लगा कर आएँ, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि यहाँ पे अब कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी सावधानी रखना हमारा काम है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो मास्क लगा कर ही आएँ। देखिए ये सारे यहाँ पे मशीनरी टूटी हुई पड़ी है उस टाइम की। देखिए देख सकते हैं आप आज क्या हालत हो चुकी है इसकी, कितनी बड़ी बड़ी ये मशीनरी यहाँ से जो चैम्बर गैस के जो टैंक होते थे ना, ये ज़मीन के नीचे दबा के रखते थे। और इनके थ्रू यहाँ से जो भी मैकेनिज्म यहाँ पे था सब होता था। काफ़ी टाइम से लगभग 40 साल के समथिंग हो गए हैं, तो जो आसपास के जो मजदूर वगैरह वर्ग होता है या जो चोर होते हैं, वो काफ़ी लोहा यहाँ पे चुरा के ले जा चुके हैं, इसलिए आधी मशीनरी यहाँ पे टूट चुकी है। देखिए अभी एक सीरीज़ भी इस फैक्ट्री पर आई हुई है, ये इस घटना पर जो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम से गैस जो लीक हुई थी, इस घटना पर एक सीरीज बनी है जिसका नाम द रेलवे मैन है। उसमें इस घटना के बारे में तो बताया गया है, उसके साथ ये भी है कि उस टाइम पे रेलवे स्टाफ का क्या योगदान रहा था उस रात को, तो वो भी
उसमें बताया गया, आप देख सकते हैं वो फैक्ट्री थी। ये लोहे में लोहे की सीढ़ियाँ वगैरह लगी हुई, लेकिन यहाँ पर ऊपर आप भी अगर यहाँ पर आए तो ऊपर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि तो सारा लोहा जंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी टूट फूट हो सकती है। देखिए जब भी आना हो आप अपनी सारी सावधानी से यहाँ पर आए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टैंक्स वगैरह बने हुए हैं, किस किस चीज़ के लिए थे वो तो जो यहाँ पे काम करते थे उनको ही पता होगा, जानकारी होगी। लेकिन काफ़ी बड़ी थी ये, ऊपर तक है ये। यहाँ पे वैसे आना अलाउ तो नहीं रहता है लीगली, लेकिन इसकी इसकी दीवारें वगैरह चारों तरफ से टूटी हुई हैं बाउंड्रीज, तो इसलिए यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो तुम्हें आंखों में कुछ हुआ है ना? आंसू आ रहा है। हमें भी यहाँ यहीं थे शायद वो टैंक वगैरह। बताओ यार 40 साल बाद हम अचानक से आंसू आए, खतरनाक हुई होगी अभी। मतलब हम लोग खैर मास्क लगा के आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये जो गोडाउन दिख रहा है शायद इसलिए यहाँ पे पुलिस वगैरह भी गश्त करती है। गोडाउन के अंदर गए तो आँख में अचानक से ये टैंक ये देखिए। अच्छा यहीं से वो जाते थे ना, तीन टैंक थे ना, 1, 2 और 3, ये टैंक यही वो मेन जो जगह थी जहाँ से लीक हुई थी, वो वॉशिंग वगैरह कर रहे थे टैंक का और पानी MIC में मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से MIC लीक हो गई थी। ये अंदर का जो यहाँ पे मशीनें वगैरह लगी हुई थी जो कि लोग चोर वगैरह जो होते हैं वो निकाल के ले गए यहाँ से, सारे देख सकते हैं। शायद वहीं थी टैंक, गोदाम के अंदर वही मेन जगह है, वहाँ के अंदर गए ना, देख सकते हैं। वो है टैंक शायद उस साइड। बोला था कि शक्र है गले में कुछ हो रहा है क्या, बोलता हाँ यार हमें भी हो रहा है। देखिए अभी सब टूटा हुआ पड़ा है, देखिए आप सोच सकते हैं कि 40 साल बाद भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उस त्रासदी का एहसास होगा। यहाँ पे बहुत
अजीब टाइप की फीलिंग आती है, क्योंकि कई सारे लोगों की उस टाइम पे यहाँ पे डेथ हुई थी। जो भी फैक्ट्री स्टाफ था वो यहाँ से भागते भागते यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, काफ़ी सारे लोग मरे होंगे। तो ऐसी जगह पे आपको अंदर से कुछ अजीब फील आता ही है। ये वो टैंक, ये उसके अंदर से सीमेंट के अंदर दबा के रखे थे ना, ये है, यहाँ से ये होते थे। पूरा जंगल टाइप का यहाँ पर बन चुका है, आपको बताता हूँ। ये देखिए, ऊपर जाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। ये देखिए, ये वो टैंक है जो अभी आपने सीरीज देखी होगी, जिसमें टैंक को फटते हुए बताया गया है, जिसमें कि वो सीमेंट के अंदर जो दबा के रखते हैं बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, सेम वो बिल्कुल उसमें रियल चीज़ बताई गई, ये सीमेंट से फट के ये बाहर आया हुआ है टैंक, ये ज़मीन के अंदर दबा के रखा करते थे। टैंक फूटा हुआ है, ये इसमें पानी भरा है अंदर, देख सकते हैं आप। ये वो टैंक हुआ था, तो देखिए अंदर एक, ये पहला टैंक है, ये दूसरा टैंक फूट गया है और वो वहाँ पे तीसरा टैंक है, वो दूर पूरी फैक्ट्री है। यही था, यहाँ पे टैंक पूरी तरह से फूट गए हैं, ये भी अंदर आधा कटा हुआ है ये टैंक जो अंदर है। तो गैस वगैरह अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नहीं है, खतरा नहीं है। देखिए इसको, आपको इसको बताता हूँ, ये L&T लिमिटेड का क्लाइंट था, मतलब जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी इसके लिए L&T लिमिटेड चीज़ें बनाया करती थी। देख सकते हैं कि कैपेसिटी सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। आपने देखा होगा एक बार, अगर रेलवे मैंने आपकी सीरीज नहीं देखी है और इस सबसे बड़ी त्रासदी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार रेलवे मैंने आप सीरीज देखी, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। उसमें सेम पूरा सेटअप बनाया है, ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से चढ़ के, जो टैंक सीमेंट के अंदर दबा के रखे हुए थे ऐसे उसमें भी बताया है। अब देख सकते हैं सारा कुछ वैसे ही, काफ़ी अच्छा सा, क्योंकि मैंने वो पहले सीरीज़ देखी, मैं भी यहाँ पर उसके बाद आया हूँ, तो काफ़ी चीज़ें सही समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे से उसमें सेटअप जो बनाया है सीरीज में, काफ़ी हद तक सारा कुछ वैसा ही करने की कोशिश की गई है जैसा ओरिजिनली था। देखिए, चलिए अब यहाँ से निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए एक टैंक वो है वहाँ पर, दूर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ से निकल जाएंगे, है ना। जाके बताता हूँ, हाँ, यहाँ आने का जो फीलिंग, अंदर से जो फीलिंग आता है वही बहुत बेकार। देखो ये टैंक है, ठीक है, पानी भरा है इसमें। देखिए ये वो टैंक है, मेरे ये कि फूटा हुआ है, पानी काफी टाइम से भरा हुआ है उसमें, बहुत बहुत गंदी बदबू आ रही है उसमें। देखिए ये एक टैंक निकला पड़ा हुआ है, ये अब इन टैंकों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी टैंक पूरा खुला हुआ है, ये तो पूरा आधा कटा हुआ है। जो लीक हुए, दो टैंक लीक हुए थे, तो ये पूरा कटा हुआ है और ये भी अलग इन्होंने निकाल के रख दिया है। तो गैस जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने की जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है अंदर से। देख सकते हैं, तो चलिए यही था मिथाइल आइसोसाइनेट का सेकंड पार्ट, और मैंने आपको इस फैक्ट्री का लगभग
सारा कुछ कंप्लीट टूर करा दिया है, तो इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लोर करने का। तो चलिए लास्ट टाइम ये फैक्ट्री है और ये टूर यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।